हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ये घी की बाती बनाने जा रही हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने कटोरी में घी लिया है और ये ट्रे ली है। ये थोड़ी टूटी हुई है, इसको इग्नोर करना। क्यों ली है मैंने, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, और या तो आप देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और ये देखो, मेरी मोमबत्ती यहाँ पर मैंने मेल्ट होने के लिए रख दी है, और मोमबत्ती मेल्ट हो गई है। मैंने इसको घी की कटोरी में छान लिया है और गुलाब जल डाला है। आप इसमें कपूर, केवड़ा, आपके पास जो ऐसे खुशबू वाली चीज़ें हो ना, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस आइस ट्रे में मैंने बाती रख के इसको घी और जो मोमबत्ती ली थी ना मेल्ट करके, वो दोनों के मिक्सचर को इसमें मैं भर रही हूँ मतलब। और थोड़ा जल्दी कर, मैंने एक गलती कर दी, इसको मैंने वो गर्म पानी की तपेली में ही रखना था, तो ये मैं जल्दी जमती नहीं। अगर आप लोग बनाना तो ऐसा ज़रूर कर लेना, मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गई थी उस चीज़ को। तो अब मैं इसमें फटाफट रख रही हूँ, क्योंकि वो जमना स्टार्ट हो गया था। और ये बातियाँ बहुत अच्छी रहती हैं, लंबे टाइम तक चलती हैं। जैसे हम दिए में घी ज़्यादा भर लेते हैं ना, तो वो कभी कभी आरती करते टाइम हिल जाता है तो फैलने लगता है, वो नहीं रहता। और देखिए, इसमें मैंने सब भर लिए हैं, और ये शेप की वजह से मैंने ये वाली ट्रे ली थी। ये नेक्स्ट डे का है। इसमें देखिए कितनी अच्छी लग रही है, एकदम शेप अच्छे से निकलेगा। अभी देखो, मैं निकाल रही हूँ धीरे धीरे, और जो नहीं निकले ना, तो उसको अपने चाकू या कोई भी नुकीली चीज़ से निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं टूटेंगी। अगर ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो टूट भी सकती हैं। और बहुत अच्छी लग रही थी, इसमें कलरफुल भी बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे ही करूँगी, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और दिवाली के टाइम पर बहुत सारे दिए जलाने होते हैं ना, तो पहले घी भरो, फिर उसमें बाती लगाओ, तो बहुत टाइम होता है लगता है। तो अगर हम अकेले होते ना, तो ये बहुत अच्छा रहता, हम पहले से बना के रख सकते हैं और उनको ऐसे त्योहारों पे यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। या कभी कभी हमको घर से बाहर दूर कहीं पूजा करने के लिए जाना होता है ना, तो घी ले जाओ, बाती ले जाओ, अलग अलग सब करना पड़ता है, तो ऐसे हम डिब्बे में रख के ले सकते हैं। कितनी अच्छी भी लग रही हैं, और शेप देखो, इसके लिए मैंने ये वाली ट्रे ली थी। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।